हर हर महादेव। देखिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है जगन्नाथ पुरी से। अभिलाष वाहिनीपति भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, इनका प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न स्कंद पुराण से संबंधित है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक महात्म्य के 35वें अध्याय के एक श्लोक को उठाकर कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि गंगा जी धरती पर से प्रस्थान कर चुकी हैं, अतः गंगा जल का कोई महत्व नहीं है, गंगा नदी में स्नान करने का कोई महत्व शेष नहीं रह गया है, क्योंकि गंगा जी ही वहां नहीं है। वो श्लोक स्कंद पुराण का इस प्रकार है, ध्यान से सुने। कलौ दश सहस्राणि विष्णुस्त्यजति मेदिनीं तदर्धम जाह्नवी तोयम् तदर्धम ग्राम देवताः। तो क्या यह बात सत्य है? क्या सचमुच गंगा जी का अब कोई महत्व नहीं रह गया है? कृपया इस विषय पर मार्गदर्शन करें। देखिए तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का सामान्य अर्थ ये है कि कलौ दश सहस्राणि विष्णुस्तेजति मेदिनीम, कलयुग के 10,000 वर्ष बाद भगवान विष्णु जो है छोड़कर के पृथ्वी को चले जाएंगे। अब विग्रहों में जो भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं या हैं देवता लोग, वो चले जाएंगे। तदर्धम जाह्नवी तोयम, और उसके आधे माने 5,000 वर्ष बाद गंगा जी चली जाएंगी। तो कलयुग के 5,000 वर्ष तो हो गए, कुछ ज्यादा ही हो गए, तो गंगा जी चलेंगी, ये कहने का तात्पर्य है। और तदर्धम, 5 का भी आधा, 2,500 वर्ष बाद ग्राम देवता, गांव के जो देवता होते हैं, ग्राम में देवता होते हैं, वो ग्राम देवता चले जाएंगे। ये प्रसंग। तो क्या गंगा जी चली गई क्या? तो इस श्लोक के आधार पर तो चली गई होंगी, तो ये शंका है। अब इसका समाधान देखिए कि नहीं भाई, गंगा जी कैसे चली जाएंगी? गंगा जी ने खुद वचन दिया हुआ है भगीरथ को, इसका उत्तर है। गंगा जी ने स्वयं वचन दिया हुआ है कि हम यहीं रहेंगे। कब तक रहेंगी, ये खुद कहा है। देखिए, पृथ्वी गंगया ही नाम भविष्यन्त्य अंतिमे कलौ तदैव विष्णुस्त्यजति मेदिनीम नरपुंगव। ये जो श्लोक जो कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी गंगया ही नाम भविष्यति अंतिमे कलौ। एक मन्वंतर जो होता है, उस मन्वंतर में 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय होता है, माने 1,000 युग निकल जाते तब एक मन्वंतर होता है। तो अंतिम कह रहे हैं, पृथ्वी गंगया हीनाम भविष्यन्ति, भविष्यति, पृथ्वी गंगा से हीन हो जाएगी। ये बात सही है जो श्लोक स्कंद पुराण के कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। पर कदा भविष्यति, और अंतिमे कलौ, अंतिम कलयुग में, माने 72वें कलयुग के अंत में ये होगा। अभी कौन सा चल रहा है? अभी 28वें कलयुगे कल प्रथम चरणे, अभी 28वां कलयुग का पहला चरण चल रहा है। तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है साधकों को, सज्जनों को, सनातनी धर्म सनातनियों को, क्योंकि ये अंत में कलौ यानी 72वें कलयुग में गंगा जी सूख जाएंगी, क्योंकि उसके बाद तो प्रलय हो ही जाएगी। फिर तो ये जो है मनमंत्र हो जाएगा, दूसरा मनमंत्र लगेगा। तदैव विष्णुस्तेजति मेदिनी, और तभी भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़ करके जाएंगे। हे नरपुंगवा, हे नरश्रेष्ठ, ये इस बात का अर्थ है। क्यों? और देखिए, भगीरथम प्रति गंगा वाक्यंच, और ऐसा ही भागीरथ के प्रति, भगीरथ के प्रति स्वयं भगवती भागीरथी गंगा जी का भी वचन है। उन्होंने उनको वचन दिया हुआ है कि यावत धरण्याम तुलसीम प्रपूज्यते, जब तक पृथ्वी पर तुलसी देवी की पूजा हो रही है, गुरुर नवस्थो दिविकल्प पादपा, जब तक आकाश में गुरु गुरु ग्रह विद्यमान है, गुरुर नवस्था और दिविकल्प पादपा, जब तक स्वर्ग में कल्प वृक्ष विद्यमान है, यावत समुद्रे बड़वा नलश्च, जब तक समुद्र में बड़वा नल है,
बड़वानल विद्यमान है, बसाम तावत तब चक्र खाते, तब तक मैं तुम्हारे चक्र के खात में तब तक निवास करूंगी। क्योंकि आगे आगे भगीरथ का रथ जा रहा है, रथ के चक्र का जो खात बनना है माने चिन्ह बनना है, रथ आगे चल रहा है, रथ के पहियों के जो चिन्ह बन रहे थे उन्हीं में जो भगवती गंगा जी पीछे पीछे प्रवाहित होती चल रही थी। तो कहा उन्होंने वचन दिया है कि तब चक्र खाते तावत बसा में, तब तक आपके चक्र के खात में माने यहाँ भूमंडल पर आपके रथ के पीछे बने चिन्हों में मैं बहती रहूंगी। कब तक बहती रहेंगी? जब तक तुलसी देवी यहाँ है, जब तक गुरु ग्रह है, जब तक कल्प वृक्ष है, जब तक बड़वानल है, तब तक मैं यहां बहूंगी। तो इसका मतलब हुआ कि कलौ दस सहस्राणि वाक्यम, ये जो वाक्य है स्कंद पुराण का, तो कलौ दस सहस्राणि वाक्यम अंतिमे कलौ गेयम, ये तो अंतिम कलयुग में जानना चाहिए। नान्येषु कलिषु, और कलयुगों में या इसी कलयुग में भगवती भागीरथी हमें छोड़कर के चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरे भाई सनातन धर्म के ये पांच प्राण है, सनातन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म के जो पंच प्राण है, आपको पता है कौन कौन से हमारे पांच प्राण है? हमारे सनातन धर्म के पांच प्राण है गीता, गंगा च गायत्री, गौश्च गोविंद एवच, और सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणा प्रकीर्तिताः। गीता इत्यादि सत्शास्त्र सत्शास्त्रों की स्थिति जब तक रहेगी तब तक सनातन धर्म जीवित रहेगा, गंगा देवी जब तक पृथ्वी पर रहेंगी तब तक सनातन धर्म जीवित रहेगा। सनातन ही सनातन माने होता कभी नष्ट न होने वाला। तो ऐसा नहीं है कि ये सनातन धर्म के लिए पहला ही कलयुग है, न जाने ऐसे कितने कलयुग निकल चुके तब भी सनातन धर्म था, और न जाने ऐसे कितने कलयुग निकल जाएंगे तब भी सनातन धर्म रहेगा। तीसरे प्राण है गायत्री, जब तक गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण भूदेव हैं तब तक सनातन धर्म की संरक्षण है ही, तब तक वो जीवित है। तो और गौश्च, जब तक भारतीय गौ विद्यमान है, और गोविंद, जब तक गोविंद भगवान श्री हरि हैं तो ये सनातन धर्म सुरक्षित है। तो ध्यान देवें कि जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं या सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, अपने आप को सनातनी कहलाने वाले हैं, सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म की जय हो कहना चाहते हैं, धर्म की रक्षा हो, वे लोग इन पांचों का अनुसरण करें। और अगर इनके प्रतिकूल कार्य करते हैं तो माना कि सनातन धर्म के प्राणों पर आघात कर रहे हैं, प्राणाघात करने वाले वो हो जाएंगे। अगर कोई गीता का खंडन करता है या कोई गीता का तो ये गऊ का खंडन करता है, गऊ की सेवा नहीं करता है तो भगवान का खंडन करता है, गंगा देवी को दूषित करते हैं, गायत्री जप नहीं करते हैं, तो वे सनातन धर्म के प्राणाघात करने वाले हैं। रक्षक वे ही हैं जो गीता इत्यादि शास्त्रों का पाठ करते हैं तथा उसमें कही गई जो भी नीति सिद्धांत वर्ण आश्रम धर्म की जो विधि है उसका परिपालन करते हैं, और गंगा देवी की जो पूजा करते हैं उनके प्रति सद्भाव रखते हैं, उनको दूषित नहीं करते हैं, और जो गायत्री की उपासना करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, जो गायत्री के अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री का जप करते हैं, और जो चारों वर्ण गौ की सेवा करते हैं, जो तो माने सनातन धर्म के प्राणों की रक्षा करते हैं, और जो गोविंद का नाम कीर्तन करते हैं, गोविंद की कही हुई बातों का अनुसरण करते हैं, तो वे भी सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। क्योंकि कलयुग में कोई और नहीं है, कलयुग में ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म सिंधु से बोल रहे हैं, कलयुग में बस ये ही छह कार्य करना है, छह कार्य बस ये ही कलयुग में है, दूसरा है ही नहीं। गीता, गंगा तथा विष्णु कपिला स्वत्थ सेवनम एकादशी व्रतम चैव सप्तमम न कलयुगे। गीता जी की आराधना करना, गंगा जी की सेवा करना, गंगा जी का जो है स्तुति करना, गंगा जी की स्तुति करना, गंगा जी में सद्भाव रखना, और भगवान विष्णु का नाम जप करना, कपिला स्वत्थ सेवनम गौ की सेवा करना, पीपल वृक्ष की सेवा करना, और एकादशी का व्रत करना, बस इतने कार्य कर लिए तो उसकी जो है कलयुग में भी सदगति हो जाएगी, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
देखिए जैसे ये बच्चन जिन पंडित जी ने पूछा था कि भाई ये कार्य तो इसमें बच्चन आ गया है कि गंगा जी तो रहेंगी नहीं, फिर भी अब हम कैसे गंगा जी देख रहे हैं, गंगा जी की आराधना करें या ना करें, तो इसका समाधान दिया गया। माने ये श्लोक है, इसका तात्पर्य है कि अंतिम कलयुग में ऐसा होगा। बाकी की गंगा जी अभी हैं और अभी विद्यमान है, हम सब प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, कहाँ छोड़ करके चली गई। तो इसी तरीके से एक वचन है शास्त्रों में कि संन्यास भी कलयुग में नहीं होना चाहिए, है ना। ये पांच कार्य जो बतलाए गए, अश्वालंबम, गवालंबम, संन्यासम, पलपैत्रकम, देवराज्य सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जये। ये कलयुग में पांच कार्य छोड़ देना चाहिए। अश्वालंब माने अश्वमेध यज्ञ, गवालंब माने गोमेध यज्ञ, संन्यासम माने संन्यास धारण करना, पलपैत्रकम माने है मांस आदि के पिंडदान देना, मांस आदि से श्राद्ध करना, और देवराज्य सुतोत्पत्ति, और जब किसी भाई की मृत्यु हो जाए तो देवर से भी वंश चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न कर लेना। ये सब कार्य कलयुग में नहीं होंगे। कलयुग में और तो सब काम नहीं हो रहे हैं, सब लोग जानते हैं अश्वमेध यज्ञ तो कौन कर सकता है, गोमेध भी नहीं हो रहा है, पलपैत्र कभी नहीं हो रहा है, देवराज सुतोत्पत्ति भी नहीं हो रही, पर लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अभी कई सन्यासी हैं, हमारे पूज्य शंकराचार्य भी सन्यासी हैं, तो दंडधारी हैं, तो क्या ये कैसे कर रहे हैं जब कलयुग में मना कर दिया गया है। तो इसका प्रतिप्रसव है और निषेध का प्रति निषेध कि ये जो वाक्य है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि यावत वर्ण विभागोस्ति यावत वेदः प्रवर्तते तावत संन्यासोग्निहोत्रञ्च कर्तव्यं तु कलयुगे इति व्यास वचनम्। ये व्यास जी का वचन है कि जब तक वर्ण विभाग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन वर्णों का विभाग है समाज में, यावत वेदा प्रवर्तते, जब तक वेदों की शाखाएं प्रवर्तित हो रही हैं, वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग हैं, तावत न्यासो अग्निहोत्रंच, तब तक संन्यास और अग्निहोत्र की दीक्षा ली जा सकती है कलयुग में, तब तक वो प्रशस्त है। तो अभी ये सब हैं, इसलिए संन्यास के लिए इस वाक्य में छूट दी गई है। बाकी के अश्वमेध यज्ञ इत्यादि नहीं होंगे, लेकिन दंड संन्यास, लिंग संन्यास इत्यादि अभी कलयुग में भी होगा। हर हर महादेव।